नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी। राजपाल सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज की बड़ी हस्ती तो है ही है, इनका राजनीतिक तजुर्बा भी लोगों के सर चढ़ के बोलता है, बड़ी संख्या में लोग उनके मुरीद हैं। और इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि राजपाल सैनी जी वेस्ट यूपी की किसी लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। विस्तार से तो राजपाल सैनी जी बताएंगे, वो मुजफ्फरनगर, बिजनौर या कैराना या किसी और लोकसभा सीट से किससे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उससे भी बड़ा सवाल 2024 को लेकर ये उठ रहा है कि 2024 में अति पिछड़े वर्ग की वोट, उसमें से भी खासतौर पर सैनी समाज की वोट इस बार किस तरफ जाने वाली है, और 2024 को लेकर आम जनमानस का जो रुख है वो किस तरफ है, इस बारे में भी हम राजपाल सैनी से चर्चा करेंगे। तो एमपी साहब, 2024 में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि प्रभावी रहने वाले? अमरीश भाई, ये सब जानते हैं कि 10 साल होने जा रहे हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार को, और 6 साल हो चुके उत्तर प्रदेश में। किसी भी वर्ग का, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, किसी भी वर्ग का ये सरकार भला नहीं कर पाई। जो वायदे करके, जो लोगों को सपने दिखा के सत्ता में आए थे, उसमें एक भी कोई उपलब्धि इस सरकार की नहीं है। किसान का गन्ने का रेट हो, चाहे किसान का पेमेंट हो, चाहे मजदूर की मजदूरी हो, चाहे बेरोजगार युवकों का सवाल हो, सब जगह ये सरकार फेल है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा को चुनौती देंगे? बिल्कुल, यही मुद्दे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, बाकी वो बताएंगे इस बारे में, लेकिन मेन मुद्दे मैं समझता हूँ यही है। अच्छा, आप इस 2024 के चुनाव में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे प्रभावी रहेंगे ऐसा आप बोल रहे हैं, आपका समाज भी बड़ी संख्या में खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, और लोगों की नजरें आपके समाज के साथ साथ में जो भी अति पिछड़े वर्ग के वोटर हैं उनकी तरफ है कि 2024 में उनका रुख किस तरफ रहने वाला है। तो क्या आपको क्या लगता है कि सैनी समाज का या जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनका इस बार 2024 के चुनाव में किस तरफ रुख रहने वाला है? देखिए अमरीश जी, ये 2012-14 के चुनाव में जो एक हिंदू मुसलमान का नारा देके इन्होंने सभी को अपनी तरफ खींच लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं है। खास तौर से हमारी अन्य पिछड़ी जातियां, सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो या और अन्य पिछड़ी जातियां हो, ये ज़्यादा धार्मिक किस्म के लोग हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये ज़्यादा जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन 10 साल में ये देख चुके हैं कि क्या हमें इससे लाभ हुआ है। मैं नहीं कहता कि 100% ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो हिंदू मुसलमान का नारा देकर इन लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम करती है। लेकिन जब इन्हीं के बीच के लोग इनके बीच में जाएंगे, उन्हें मान सम्मान मिलेगा, उन्हें टिकट मिलेंगे, तो कोई ताकत नहीं है कि ये गठबंधन से अलग हो। ये गठबंधन के साथ रहेंगे और ये तादाद में है अमरीश भाई, कोई भी लोकसभा हो, कोई भी विधानसभा हो, मैं 14 लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 14 लोकसभा में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, हाथरस, ये 14 लोकसभा और 70 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें हर विधानसभा में सैनी समाज के लोग बसते हैं, सैनी समाज की वोट है, तादाद में वोट है, और कोई लोकसभा की सीट ऐसी नहीं है जिसमें 1 लाख से ऊपर इनकी संख्या ना हो। तो जब इन्हें सम्मान मिलेगा, जब इन्हें इनके हकों के बारे में बताया जाएगा, जब इन लोगों के बीच में जाकर इनके अधिकारों की बात की जाएगी, इन्हें सम्मान मिलेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे। जब जब भी मौका इन अति पिछड़ों को मिला, तो अति पिछड़ों ने खुल के अपने कैंडिडेट का साथ दिया। मिथिलेश पाल
लोकदल के टिकट पर, राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी थी, मीरापुर विधानसभा से, तंबोर नवाकृति थी, वो चुनाव जीती। मुझे 99 में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और लोकसभा के चुनाव में मुझे 1,74,000 के लगभग, 74,000 के लगभग वोट मिला था और मात्र 31,000 वोटों से मैं पराजित हुआ था। 3 विधानसभा हम जीते थे और कांग्रेस और लोकदल का गठबंधन हो गया था, मुसलमान कैंडिडेट था, इसलिए शहीदुल जमा चुनाव जीत गए थे। ये इस बात का प्रमाण है कि पिछड़ी जाति के लोग जब उनके बीच का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, कोई भी हो, कोई राजपाल सैनी नहीं, कोई भी XYZ कोई भी हो, उसकी तरफ झुकेंगे और उसे वोट देने का काम करेंगे। ये साबित कर चुके 1999 के चुनाव में पिछड़ी जाति के लोग। ज्यादा समय नहीं हुआ, 2022 में आप खुद खतौली विधानसभा से कैंडिडेट थे, आपके सामने विक्रम सैनी चुनाव लड़े और जीते भी, और ये भी माना गया कि भाई बहुतायत में सैनी समाज की वोट विक्रम सैनी को मिली, जबकि आप उनके मुकाबले कहीं बड़ा राजनीतिक चेहरा थे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरे मुकाबले सैनी समाज की वोट ज्यादा विक्रम सैनी को मिली। उसका कारण था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख था, लेकिन मुझे भी तादाद में वोट मिला है, खाली सैनी समाज का नहीं, अन्य समाज का भी। जब 2017 का चुनाव हुआ और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे चंदन चौहान, उन्हें 62,000 वोट मिला था और मुझे इस चुनाव में 87,000 वोट मिला, 25,000 वोट मुझे बढ़ के मिला है। तो वो अन्य समाज का और सैनी समाज का ही था, पिछड़ी जातियों का था, और भी हर समाज में जाट ने वोट दिया तो ये वोट में कोई कमी नहीं थी, वोट बहुत तादाद में थी। लेकिन आखिर के 2 दिन में चुनाव हम जीत रहे थे, लेकिन आखिर के 2 दिन में इस कदर विचार आ गया कि अगर राजपाल सैनी जीत गया तो यहाँ मुसलमान तुम पर हावी हो जाएंगे, इनकी सरकार, अंग्रेज जी की सरकार बन जाएगी, जयंत जी दमदार नेता है, जयंत जी का प्रभुत्व रहेगा, इसलिए बीजेपी की सरकार लाने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दिया और 2 दिन में लोग बदल गए और नाम चुनाव जीत रहे थे। अब लगता है कि भाई 2024 में सैनी समाज के लोग समझ जाएंगे जो खेल है पूरा राजनीतिक, उसे निश्चित रूप से सैनी समाज के लोग निश्चित रूप से समझ चुके हैं। बार बार वो जगह जगह से फोन भी आते हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं कि चुनाव हर हालत में लड़ना है, क्योंकि कोई आज की तारीख में कोई सैनी MLA MP नहीं है, जबकि भारी तादाद में हर विधानसभा में वोटर हैं, हर लोकसभा में वोटर हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई सैनी MLA MP इस बार नहीं है। इसलिए लोगों का दर्द है इस बात का कि हमारे बीच का कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर चुनाव में आवे और ये साथ लगे। अच्छा, अभी 2024 का चुनाव सामने है और आपको जैन चौधरी ने जिम्मेदारी दी है सामाजिक न्याय मंच की, तो इस मंच के माध्यम से आप किस तरीके से अपने वर्क को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? सामाजिक न्याय मंच की जो साहब ने जिम्मेदारी दी है, बहुत सम्मान दिया, जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान भी दिया है, और समाज को हम जगाना काम कर रहे हैं, खाली उसमें सैनिक समाज ही नहीं, उसमें अति पिछड़े, उसमें दलित, उसमें मुस्लिम भाई, उसमें सभी का तालमेल बैठा कर हम लोग चल रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ जयंत चौधरी जी ने विश्वास करके ये जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और निभा रहे हैं। आप चूंकि पार्टी के बड़े चेहरे हैं, राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में आपकी अहम भूमिका रही है, गिनती के कुछ वक्ता थे जिन्हें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने की एक तरह से बोलने का समय मिला, उनमें से आप एक थे, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल 2024 में, हालांकि गठबंधन में लड़ेगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल खुद अब कितनी सीटों पर लड़ने का प्रयास इस बार कर रहा है 2024 के चुनाव में? देखो, ये बड़ा सवाल है अमरीश भाई, ये तो नेता ही तय करेंगे, हमारे नेता जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी, कि कौन सी सीट पे कौन चुनाव, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कितनी सीट पर लड़ेगी, ये मेरे स्तर का नहीं है। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो फिर भी एक अनुमान तो आप कह ही सकते हैं पार्टी इतनी सीटों पे, लेकिन करेंगे जयंत चौधरी जी तय करेंगे अखिलेश जी से मिलकर, और सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। तो राज्यपाल सैनी जी किस लोकसभा सीट से इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मेरी तैयारी है लोकसभा चुनाव लड़ने की, मन है, लेकिन तय तो हमारे नेता ही करेंगे। अगर वो चुनाव लड़ाते हैं
तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। और मेरा जो दावा है वो बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना पर है कि कहीं से भी चुनाव वो मुझे लड़ावे। मैं दो बार मिनिस्टर रहा हूँ अमरीश जी, राज्यसभा सदस्य भी रहा हूँ, 6 साल तक मैंने सेवा की है। मेरे राजनीतिक जीवन में कोई उंगली नहीं उठा सकता, मैंने कोई कभी भी किसी को सताने का काम नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं की, कभी किसी की जमीन जायदाद प्लॉट दबाने का काम नहीं किया, मैंने किसी गुंडे को अपने पास नहीं लगाया, मैंने गरीब आदमी का, सम्मानित आदमी का, कोई किसी भी समाज का है, किसी बिरादरी का है, उसका सम्मान किया, उसे इज्जत दी और उसका दिल से काम करने की कोशिश की और उसका समाधान कराया भी है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मेरी राजनीतिक यात्रा है और जिस शैली से मैं काम करता हूँ कि लोग पसंद करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर तो संजीव बालियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा चेहरा है, केंद्रीय मंत्री है चौधरी अजीत सिंह, बहुत मामूली अंतर मतों के अंतर से ही, लेकिन हार तो आखिर हार है, वो चुनाव नहीं जीत पाए। आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर आप जीत जाए? अमरीश भाई, चौधरी साहब बहुत बड़ा नाम था, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, केंद्र में कई बार मिनिस्टर भी रहे। दुर्भाग्य कहूँगा मैं तो इतने बड़े नेता को यहाँ के लोगों ने हराया, लेकिन सही कहा आपने कि हार तो हार ही है। और संजीव बालियान भी बीजेपी का मजबूत चेहरा है, लोगों के बीच में भी रहते हैं, वो अपनी वोटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी वोटों पर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में वो भारी रहेगा जो बीजेपी की वोटों में सेंध लगाएगा। ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरे कार्य करने का तरीका है, इन लोगों को जो मैं सम्मान देता हूँ, इन लोगों के दुख दर्द में हर जगह खड़ा रहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये तादाद में मुझे वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तीन लोकसभा सीटों पे आपने अपना दावा जताया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना, फिर भी तीन सीटों में अगर आप कोई चुनने के लिए कहा जाए ये सीट, किस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहोगे, तो कौन सी सीट आप सबसे प्राथमिकता, कौन सी सीट को आप दें? जहां से भी वो लड़ावेंगे, क्योंकि तीनों सीट पे हमारे समाज की लगभग बराबरी वोट है, 7 लाख के लगभग बिजनौर पे है, इतनी मुजफ्फरनगर पे है और इतनी कैराना लोकसभा पे है। लेकिन अगर मुझे चुनना ही होगा तो मेरी टॉप प्रायोरिटी बिजनौर होगी। तो ये थे पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी, जिनका कहना है कि सामाजिक न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे वे लगातार अति पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना तीन लोकसभा सीटों पर उनका टिकट के लिए दावा है, लेकिन अगर उन्हें चुनने का मौका मिले तो वे बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। होगा क्या इसका आखिरी फैसला तो राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करें।